तो इधर मैं बैठा रहता हूँ और बोट का फायर आता है, ऊपर आता हूँ तो भाई ये बंदा जो बोट को मार देता है, बट ये मारने के बाद कवर में नहीं जा पाता यार, तो इस बंदे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। बट कोई बात नहीं, गेम है, इसमें मरना मारना तो गेम ही है। सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर सोलो FPP कॉन्करर गेम प्ले। तो बात करते हैं गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पे इवेंट में मुझे एक भी किल नहीं मिला था, तो यहाँ पे आने के बाद एक बोट का और ये सामने एक बंदा का किल मुझे मिल गया। तो यहाँ पे लूटने वगैरह के बाद मैं जोन के एंट्री में यानी सेंटर में प्रवेश करता हूँ। यहाँ पे सामने मुझे एक शेक पता था कि यहाँ पे एक शेक है, अगर उधर पे कोई बंदा नहीं रहेगा तो यहीं पे मैं चल के होल्ड कर लूँगा। तो मैं शेक पे आता हूँ इधर पे। तो भाई इधर पे गाड़ी वाड़ी कोई नहीं दिखती, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बट शेक के अंदर एक बंदा बैठा है जो कि अपना माइक कॉल पे कर रखा था, तो जिससे और भी ज़्यादा पता चल गया। फिर इसका फुटस्टेप भी आता है, तो फिर मैं सोचता हूँ भाई इधर से चला जाऊँ। फिर मैं सोचा नहीं यार, जोन यहीं पे है, अगर इसको मार लिया तो मुझे अच्छा खासा पोजीशन मिल जाएगा। तो इस यहाँ पर जल्दी से मुड़े डाल देते हैं। भाई बंदा बाहर आके बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला डैमेज दिया, और मैं सोचता हूँ मेरे हाथ में MK है, बट MK मेरे हाथ में नहीं था, इसका था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता अभी, बट कोई बात नहीं, इसको आराम से मार देते हैं। मारने के बाद यहीं पर शेक के अंदर बैठेंगे और यहाँ पर बंदों के मरने का वेट करेंगे। ओके, तो भाई अभी चारों तरफ कई सारे बंदे और यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ भी घूम रही होती हैं। फिर यहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, देखना कुछ देर में यहाँ पे भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे कामा हामे का डैमेज किया और यहाँ पे आके मतलब कि प्रो प्लेयर बन रहा है। इसको अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है, अंत में बताएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से अपने आप को थोड़ा सा हील करते हैं और आगे चलते हैं, और देखना ये बंदा मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। तो मैं यहाँ पे आगे आता हूँ, मैं सोचता हूँ यहीं पे थोड़ा रुक जाऊँगा, बट यहाँ पे भाई जोन इस बंदे के पास बहुत ही अच्छा खासा जोन था और ये मेरे को डैमेज करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक गोली का बचा हूँ भाई, अभी 13 बंदे बचे हैं और जोन जो है इतना छोटा सा है और वो भी एकदम से ओपन में। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी वाड़ी घुमाता हूँ, अगर मैं डर भी रहा था कहीं कोई बंदा अगर स्प्रे किया एक दो गोली लगी तो मैं यहाँ पे फिनिश हो जाऊँगा। फिर यहाँ पे मुझे स्मोक दिखता है, मुझे डर लग रहा था कहीं वो बंदा स्प्रे ना कर दे, बट वो फायर करता है ऐसे ही रैंडम, बट मेरे पे नहीं करता। फिर मैं इधर आता हूँ और स्पेड पे अपनी गाड़ी घुमाऊँगा, मतलब खड़ी कर दूँगा और यहीं पे लेट जाऊँगा। तो फटाफट अपने आप को हिल करते हैं और यहाँ पे उस बंदे को देखता हूँ मैं। तो बंदा देखना भाई ये उड़ रहा है, मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्रो प्लेयर समझ रहा है, तो अभी इसको मारेंगे पक्का, आप देखिएगा। कोई बात नहीं यार भाई, वैसे भी बंदा अच्छा खेल रहा था, मतलब काफ़ी बंदों को मार रहा था। तो यहाँ पे एक बग्गी जाती है, जो कि आगे वाले पत्थर पे आके रुक जाती है, तो अभी जोन भी श्रिंक होने लगता है, तो मैं इस बंदे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इधर से मैं अपनी ये गाड़ी उठाता हूँ और सोचता हूँ भाई अभी उसी वाले बंदे के पास चला जाए, क्योंकि उसके पास बहुत ही एकदम से फंटास्टिक वाला पोजीशन है। तो मैं आता हूँ इधर पे और अपनी गाड़ी यहीं पे रोक देता हूँ। फटाफट अपने आप को हील कर देते हैं और इधर नीचे स्मोक हो रखा था जो बग्गी वाला बंदा था, तो इसको थोड़ा देखते हैं, बट बंदा दिखता नहीं। मैं सोचता हूँ भाई अभी मैं इससे सेफ हूँ, क्योंकि वो खुद पे स्मोक करके रखा है तो मुझे क्या देखेगा। तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और सामने बंदे का, तो भाई मर गए ना बोट किलर भाई, मिस्टर ज़्यादा प्रो बन रहे थे। कोई बात नहीं ब्रो, वैसे गुड गेम, अच्छा खेल रहे थे तुम। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद भाई मुझे बहुत ही अच्छा पोजीशन मिल गया, और सामने भी लेफ्ट में बंदा और राइट में बंदा, और साथ में पीछे कोई बंदा नहीं है ऐसा मुझे लग रहा था, और जो कि सही लग रहा था। तो मैं यहाँ से चारों तरफ देखता हूँ, बट बंदा मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बट बंदे यहीं पर लेटे पड़े हैं आसपास में।
ओके, तो भाई जब मैं कवर में आता हूँ तभी बंदा मेरे पे स्प्रे करता है। मैं पिक करके देखता हूँ बट बंदा दिखता नहीं, और कुछ देर में एक ग्रोजा वाला बंदा इसको मार देता है। फिर इसको मैं देखने का ट्राई करता हूँ इधर। भाई इधर ओपन में ही तो मतलब लेटा हुआ था। फिर दूसरा वाला बंदा भी वहीं पे रहता है, उसको मार के मिल गया मेरे को एक बहुत ही डिलीशियस सा चिकन डिनर। ओके, तो बात करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पे मैं इधर पे उतरता हूँ, उतरते ही यहाँ पे मुझे स्कादर मिलता है। और भाई यहाँ पे एक बंदा आता है, उसको तुरंत मार दिया। तो बंदे की लैंडिंग अच्छी नहीं थी और बंदा भाई थोड़ा गुस्सा कर रहा था। तो यहाँ पे गन के साउंड से देख सकते हैं भाई कितने ढेर सारे बंदे हैं, और सब्बू गेमर भी यहीं पे आया हुआ था। तो सब्बू गेमर को इवेंट पे ही भी लास्ट में अभी अंत में चढ़ के मारेंगे, तो देखना कैसे मारेंगे। PHX ब्लेज गॉड, वैसे ये भी टॉप 10 का बंदा है। तो यहाँ पे देखते ही देखते भाई सारे बंदे ख़त्म हो जाते हैं, और मैं इधर पे लूटने लगता हूँ ओपन में आके एकदम से, और भाई सारे बंदे इधर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इधर आके अपना पूरा लूट कंप्लीट करके यहीं पे बैठा रहता हूँ और सामने देखता हूँ। उतने में भाई सबू गेमर उधर ही रहता है और ये उस बंदे को मार देता है। तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उड़ के जाता हूँ उधर पे, और उस बंदे को मतलब सबू को बुलाऊंगा और उससे फाइट फाइट करूँगा। भाई मेरा उसको मारने का बहुत ही मन था, किसको मार लिया तो भाई मेरा गेम बन जाएगा समझ लो। फिर यहाँ पे आता हूँ और मुझे पता था ये इधर पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे फायर करता हूँ। तो मुझे पता था ऐसे फायर करने पे ये फाइट लेने जरूर आएगा, और वो इधर आता भी है। और भाई मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज यहाँ पे कर देता है, बट इसको आराम से हमने मार लिया। तो फाइनली मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया इस मैच का। यू तो यहाँ पे इसको मारने के बाद हम आ जाते हैं जोन के सेंटर में होल्ड करने। तो जोन इधर पे बना था मिल्टा पावर में, तो यहाँ पे भाई कुछ गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे इनको मैं फायर करके वार्निंग भी देता हूँ, भाई इधर पे मत रुको, मैं ऑलरेडी पे हूँ यहाँ पे। फिर भाई ये इधर पे रुक जाते हैं, मेरे पास एक रिकॉर्ड भी रहता है, मैं सोचता हूँ इन पर रश किया जाए, रश करके मार दूँ। लेकिन उतने में ये बंदा जो है उड़ के ना ऊपर चला जाता है। फिर मैं इधर बाहर आके इसको स्पॉट करने का भी ट्राई करता हूँ, बट बंदा मुझे दिखता नहीं है। और क्योंकि अगर मैं उड़ के जाऊँगा मारूँगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, और मैं इसे हटा के उस बंदे के ऊपर उड़ूंगा भी अभी। बट इसके आगे जाने का भाई मेरा हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ऊपर जाता तो भाई बंदा तुरंत मेरे को फिनिश कर देता और मेरा जो अच्छा खासा लूट है इधर चला जाता। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से उड़ के भाई भागी जाए। मैं उधर से भाग के आता हूँ, यहाँ पे आते ही देखना एक बग्गी आती है। जो कि यहीं पे आके रुक जाता है भाई, इसको भी हमने आराम से मार दिया। तो इसको मारने के बाद हमारे 4 किल हो गए थे। और यहाँ पे भाई मेरे पास एक खूब एक अच्छा खासा पोजीशन था यहाँ पे जोन में, तो यहीं पे हम होल्ड करेंगे और टॉप 10 होने तक यहीं पे हम रुकेंगे। तो देखना लास्ट तक भी ये जोन मेरे पे बनने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लेयर गन आता है, और जिसको मैं सोचता हूँ भाई वेस्ट ही हो जाएगा, इसको चला देते हैं। फिर फ्लेयर गन आने पे मैं इसको लूट भी लेता हूँ इधर पे सामने एक बग्गी। भाई उसको एक गोली लगती भी है, ठीक है, बट बंदे को कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे फ्लेयर गन आता है, इसको आराम से लूट लेते हैं। फ्लेयर गन में ड्रॉप में कुछ रहता नहीं वैसे। फिर यहाँ से भाई मेरे पास अच्छा खासा पोजीशन होते हुए चारों तरफ देखता हूँ, बट यहाँ पे बंदे मुझे दिखते ही नहीं। फिर एक कार आती है, और जो कि डासिया यहीं पे आके रुक जाती है। ऐसे ही आंख बंद करके मोली फेंक दिया, बट बंदा वह स्टोर में चला गया था। यहाँ पे एक और गाड़ी आई, तो भाई मैं सोचता हूँ यहाँ ओपन में रुकना भाई ठीक नहीं है, बट इसके ऊपर मैं 2-3 नेट भी करता हूँ, बट देखना। नेट से तो बंदा फटता नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे काफी ओपन है, अंदर चला आता हूँ। अंदर आने के बाद यहाँ पे बंदा उड़ के आता है, और भाई इसको भी हमने आराम से मार दिया। अभी हमारे टॉप 10 भी हो गए थे, तो कोई बात नहीं, अब मर जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखना मेरे साथ ग्लिच होता है अभी MK में।
तो अभी आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं बैक करके, एमके जब मेरे मैं हारे हाथ में नहीं रहता तो एमके में 20 गोली दिखा रहता है, और जैसे ही मैं एमके को हाथ में लेता हूँ भाई, ये पता नहीं क्या ग्लिच है, 10 गोली हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इधर पे मर जाता हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, मुझे मरने का कोई गम नहीं। यहाँ पे मुझे 17 का प्लस हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।